10,000 आदमी के ऊपर था सर, समय पर 10,000 पूरा बोलिए बैठ जाएगा। आप उधर ये समझा चलिए ठीक है ठीक है। समाज में नफरत बोलने का काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को याद होगा हम सबों के नेता अगर ये लागू की गए 2014 में कहा था कि देश टूटेगा या एक रहेगा, ये फैसला देश की जनता को करना है, निर्णय करना है। लालू जी जानते थे भाजपा में बैठे लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे और जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री है अगर ऐसे लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो देश हमारा बचने वाला नहीं है। देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, समाज में जहर और नफरत होने का काम किया जा रहा है जिसका हम लोगों ने लगातार खिलाफ किया है और लगातार लड़ते रहे और यही लड़ाई की सजा लालू जी को भाजपा के लोगों ने देने का काम किया कि आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए लालू जी को साजिश के तहत जेल देने का काम किया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि लालू जी इन लोगों के गीदर भक्की से डरने वाले नहीं, आपके नेता शेर है, आपकी लड़ाई को चाहे कुछ भी हो जाए जान भी देनी पड़े लेकिन हमारी पार्टी और आपके नेता इसके लिए और ये जो काला कानून सीए एनआरसी और एक आया है एनपीआर गिनती करता लगातार होता रहता है लेकिन इस बार उन लोगों ने एक कॉलम बनाया। ज्यादा जानकारी चाहिए अब ये भी जानकारी चाहिए कि ये आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ कब हुआ था आप बताओ। इस देश में आजादी के लिए चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सभियों ने कुर्बानियां दी है, सभियों का खून बहा है और ये देश सबों का देश है। अगर भाजपा वाला कहेगा कि तुम देशभक्त नहीं हो तुमको हम पाकिस्तान भेज देंगे तो भाजपा वाला कान खुल के सुन ले कि देश किसी के बाप का नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, हम बताओ भूत की डर से मकान छोड़ दे। आप लोग सब लोग जानते देश मुल्क और बाप बदले नहीं जाते, मुल्क और माँ बदले नहीं जाते और माँ अपने बच्चों को वेद गदखल नहीं करती है। उन भाजपाइयों को
समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप एक बार बताओ, भाजपा तो भाजपा है, उसके चाल चरित्र को हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका क्या होगा जो हम लोगों के बीच घुस करके आप लोगों को धोखा देने का काम किया। आपके वोट से वो सत्ता में है, आप बताओ आपके वोट से मुख्यमंत्री बनेगा? अब वोटवा कहाँ जाके दिए राज्यसभा लोकसभा में? भाजपा के साथ बोलते थे ट्रिपल तलाक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एनआरसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब सिटीजन एक्ट जो बना, अमेंडमेंट एक्ट जो बना, तो उसमें बीजेपी के साथ रह करके वोट देने का काम किया। ये गद्दारी है कि नहीं है आप बताओ? आप बताओ, हम जैसा बन करके पीड़ित को छुड़ा वोट देने का काम किया। ये लोगों को आने वाले चुनाव में आप लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। आज हम लोगों ने मिल करके बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, ताकि वो भाजपा को छोड़ के सोचे थे कि आप सुधर गए। हालांकि संघ को गोद में बैठ के खेलते रहे, लेकिन जब अलग हुए तो लालू जी ने सारे उनके गिले शिकवों को दूर करके, ये जानते हुए भी कि नीतीश कुमार जी भाजपा से मिल करके लालू जी को जेल भिजवाया, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी का बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आज हम पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा करने का काम किया, जरा देश का अपमान किया, हम लोगों को फंसा करके भाजपा में जा करके आज आरएसएस और भाजपा के नियम को लागू करने का काम कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होता तो किसी की औकात नहीं बिहार की धरती पर। आज सुनने में आ गया मैं योगी बाबा है, भाजपा में एक से एक बाबा लोग हैं, बाबा लोग का चरित्र जान रहे हैं। एक चिन्मयानंद थे, सेठ सीढ़ी निकला था, ब्लैकमेल करते थे लड़कियों। एक कौन बाबा थे, आसाराम बाबा, बीजेपी में सब ऐसे बाबा सब। आप जान रहे हैं ये लोग बिहार की धरती पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनकी कोई हिम्मत औकात नहीं थी जब लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे। ये आरएसएस वाले लोग चाहे तोगड़िया हो, इनको खाली पांव वापस कर दिया जाता था। आज नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री है, और दूर दराज से भी लोग आकर के बिहार में जहर बोने का काम कर रहे हैं, और आपके मुख्यमंत्री धोखे छल कपट से मुख्यमंत्री बने भाजपा के साथ, और आज गूंगा की तरह मुंह में चुप्पी साधे हुए हैं। हिम्मत नहीं हो रहा कि जनता का सामना करे, जनता को बताने का काम करे। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग लगातार जो धरना देने का काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से प्रमाणित करता है कि हम लोगों को सबूत देने की जरूरत नहीं, हम देशभक्त हैं कि नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। हम लोग संविधान में मानने वाले लोग हैं। इसलिए आप लोग जानते हैं, बता वोटर आईडी क्या नागरिकता साबित नहीं करता? जब करता है तो भाजपा, अगर नागरिकता साबित नहीं करता तो भाजपा सरकार में कैसे है? कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए? अगर बैंक खाता, अगर आधार नागरिकता साबित नहीं करता तो काहेला बैंक खाता को आधार से जोड़े? क्या क्या नहीं, अब बताओ। पासपोर्ट अगर नागरिकता साबित नहीं करता तो पासपोर्ट के ऊपर क्या लिखा है? भारत गणराज्य। क्यों लिखा है? ये सवाल का जवाब उन लोगों को देने का काम करना पड़ेगा, लेकिन समय कम है। आप लोगों के जज्बे को, आप लोगों ने जो आंदोलन किया है, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप लोग हमको शक्ति देने का काम कीजिए। और अगर हमारे मन में लालच होता, लालू जी के मन में लालच होता,
वो भी पलटी मार सकते थे, हम लोग भी पलटी मार के आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भेजना है जेल भेजो, फांसी पे चढ़ाना फांसी पे चढ़ाओ। आपके नेता लालू जी ने आज तक अपने विचारधारा नीति सिद्धांत से समझौता नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका बेटा आपका भाई, हम भी मरते दम तक इनसे समझौता नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग दुआ कीजिए, आप लोग शक्ति दीजिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनको सत्ता से बेदखल करने का हम लोग काम करेंगे। पुनः आप लोगों को धन्यवाद।